बात है भजन सिंह जी, आज ना कोई सरकारी गाड़ी ना सिक्योरिटी। अन्ना, तुम जैसे लोगों के पास आना हो तो सबसे पहले सरकारी सुविधाएं हटानी पड़ती हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नहाने से पहले कपड़े उतारने पड़ते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि आप जैसे नेता लोग स्नान पानी से नहीं बल्कि खून से करते हैं। करना पड़ता है अन्ना, सियासत की देवी बलि लिए बिना खुश नहीं होती, और फिर ऊपर चढ़ने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। चालाक नेता वही है जो अपने दामन में दाग लगने ना दे। दाग लगेगा भी कैसे भजन सिंह जी, खून चाकू भेजने वाले पे नहीं बल्कि चाकू चलाने वाले के दामन पे लगता है। और इस काम के तुम बेताज बादशाह हो। एक कबूतर उड़ाना है अन्ना, जिसके 50 लाख रुपए एडवांस इस बैग में है, और 50 लाख रुपए काम होने के बाद। भजन सिंह जी, एक कबूतर नहीं बल्कि ये कहो कि किसी बास को उड़ाना है। बहुत समझदार हो गए अन्ना, लेकिन इस बार किसी पार्टी लीडर को नहीं बल्कि सीएम को उड़ाना है, ताकि उसकी गद्दी पर बैठने का मेरा ख्वाब पूरा हो। समझ लो कि आपका ख्वाब पूरा हो गया, क्योंकि अन्ना जिसके मौत का सुपारी लेता है परिश्ते भी उसकी लाइफ की गारंटी छोड़ देते हैं। वरदान। हाँ साहब। शिवा से कहो कि अन्ना ने उसे याद किया है। आपका भाषण बहुत अच्छा था सर। अच्छा। बधाई हो सीएम साहब। बहुत बहुत बधाई हो सीएम साहब, सत्ता में बैठे हुए आपके 4 साल पूरे हुए। जिस कुशलता और ईमानदारी से आपने सत्ता का भार संभाला है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है साहब। धन्यवाद भजन सिंह जी। जब आप जैसा शुभचिंतक मेरे साथ हो तो मुझे किस बात की चिंता है। हाँ हाँ भजनलाल जी, गरम है आपके लिए स्पेशल चिल्ड शैंपेन। अच्छा। यस सर। धन्यवाद। नमस्ते। लो भाई। सीएम साहब, आपके काम और शोहरत को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये 5 साल तो सही, लेकिन अगले 5 साल तक आपको कोई कुर्सी से नहीं उतार सकता। अरे सर, आपने तो इस शहर का नक्शा ही बदल दिया। सीएम साहब, मुझे लगता है कि इस शहर से गुंडागर्दी का नामो निशान, गुंडे शहर पर भाग रहे हैं। भजन लाल जी, ये तो आप लोगों की कोशिशों का नतीजा है। मुझे तो बस We'll be right back.
कहाँ भजन लाल जी? सीम साहब, भगवान आपकी तमन्ना पूरी करे। सर, यस। गुस्सा क्यों है? यह वाकई अफसोसनाक बात है कि इतनी सख्त सिक्योरिटी होने के बावजूद हमारे प्रिय सीएम साहब पर कातिलाना हमला हुआ और हमारी पुलिस कातिल को ढूंढने में नाकाम है। यह तो आप लोगों की दुआएं और भगवान की कृपा है कि तीन गोलियां लगने के बावजूद हमारे सीएम साहब सही सलामत हैं। लेकिन मुझे कसम है खून के उन कतरों की जो सीएम साहब के जिस्म से बहे, मैं उस कातिल को ऐसी सजा दिलाऊंगा कि आने वाली नस्लें याद करके कांप उठेंगी। ये मेरा वादा रहा। जय हिंद। अन्ना, भजन सिंह बोल रहा हूँ। हाँ बोलो भजन सिंह जी। मेरी ही दी सुपारी मेरे ही गले में अटक गई है। क्या मतलब? अन्ना सीएम बच गया है और पुलिस शिवा को पागल कुत्ते की तरह ढूंढ रही है। समझ गया ना क्या करना है? हाँ हाँ समझ गया भजन सिंह। क्या हुआ शिवा, ये खून कैसा? कुछ नहीं अन्ना, पुलिस की गोली छूकर निकल गई। लेकिन तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? अपना गेम पलटी हो गया शिवा। तीन गोली लगने के बावजूद सीएम अभी तक जिंदा है और पुलिस तेरे को ढूंढ रही है। तू कुछ दिनों के लिए बम्बई चले जा और ये पैसे ले। अगर और जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। अन्ना, आज पुलिस से भागते वक्त एक हादसा हो गया। एक मासूम जवान लड़का मेरे हाथों मारा गया। उसके घर वालों का पता लगाकर ये पैसे उन तक पहुंचा देना। तू फिक्र मत कर, पैसे पहुंच जाएंगे। और सुन, बॉम्बे शिवा नहीं, अजय जाएगा। अंकल, ये आपके लिए। केक है, ले लो बेटा। इसके पैसे नहीं लेंगे हम तुमसे। ये हमारे सुपुत्र हैं रोहित, आज इनका जन्मदिन है। हमने तो कहा था कि बम्बई जाकर आराम से मनाएंगे, लेकिन नहीं माने। अब चलती गाड़ी में तो इसी तरह की बर्थडे पार्टी होगी। दे दो बेटा, ये लीजिए। थैंक यू। कुछ भी कहो, चोरों की कमी नहीं है हिंदुस्तान। काशीपुर से हमारे साथ एक बुजुर्ग साहब चढ़े, बातों बातों में उनके साथ दोस्ती हो गई। पिछले स्टेशन पर पानी पीने के लिए उतरे और वापस चढ़े ही नहीं। मालूम हुआ कि श्रीमती जी का पर्स उठाकर ले गए हैं और इन्हें पता तक नहीं चला। अब किसी की शक्ल पर थोड़ी लिखा होता है कि वो चोर है या कातिल। क्यों बेटा? अंकल, चोली के पीछे वाला गाना बजाओ ना। रोहित बेटा, चलो उठो, मेरी बस पर आकर सो जाओ। नहीं, मैं यहीं सोऊंगा। जी सोने दीजिए इसे यार, वैसे भी मुझे नींद नहीं आई। अरे भाई तकल्लुफ छोड़ो और ऊपर सो जाओ। ये जरा पकड़ना।
रोहित बेटा सर उठाओ। मैं जरा बाथरूम होकर आता हूँ। वो तुम्हें नहीं, मुझे मारने आए थे। आपको? मेरा नाम शिवचरण है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस बॉम्बे ब्रांच।